नमस्कार। आज हम लोग के बीच में राज्यसभा एमपी और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जी आए हुए हैं। एक बहुत ही गंभीर मामले पे हम लोगों को वो एक नई प्रकाश डालेंगे। आप लोग सबका सुबह सुबह आने के लिए फिर से बहुत शुक्रिया। शुरू करें। मित्रों, हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में पूरी तरीके से ध्वस्त होने के बाद और विपक्ष के इस तथा कथित इंडिया गठबंधन के देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार के आधारहीन और अशांति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी, अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो वो लोग चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी, फिर चाहे तेलंगाना में केसीआर जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। तो खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव के का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। सो वॉट एवर श्री खड़गे जी सेइंग, इट इज रियल मीनिंग इज दैट दोज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी विच इज कंटिन्यूइंग, विच इज बीन टोटली डिस्कार्टेड बाई वोटर इन द लास्ट इलेक्शन, नाउ सीम्स टूवर्ड्स एन इक्लिप्स एंड द ट्रू एमर्जेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज देयर इन द ऑफिंग, जिसमें भारत के सभी युवा और सभी मतदाता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत की महिला और भारत का युवा अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है। वैसे ये लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जीरो वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और जीरो वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। और इस बात की, उस घटना के अंदर का पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट बाय मिनट रेफरेंस कृपलानी की किताब माय डेज विद गांधी में है, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है, दुर्गादत्त की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए, हो सकता है कि वो व्यवहारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधानमंत्री भविष्य के लिए सिद्ध हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। लोकतंत्र का अद्भुत स्वरूप है, पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक, जीरो वोट से लेके जीरो वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं,
भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के दो ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी, क्या बात करते हैं। और जहां तक लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल इसलिए जेल में रखा था कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक नजर आती है। और आज हिटलर की मौत कितने घट, क्या क्या बोला जाए, कबर खुदेगी, कुत्ते की मौत जैसे शब्द बोलकर जलवाए जलाल से जलवा अफरोज हो रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। फिर आप देखिए, और इतना ही नहीं, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी अपने सामने। ये वो 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित किए जाएं, जो 1988 में प्रकाशित हुए थे। आइए साहब, राजीव गांधी जी के जमाने में एक अखबार उनके खिलाफ लिख रहा था तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा और बिजली काट दी गई थी। और आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राजीव गांधी जी के जमाने में एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट आया था जिसमें सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती और आपत्तिजनक बात लिखे तो कार्रवाई भी हो सकती। जैसे आप कल्पना करिए कि सरकार आज आपके सारे कम्युनिकेशन पढ़े और पढ़कर केवल उसी के आधार पर कार्रवाई कर सके, वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसे पास नहीं होने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, अभी मैं इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव भारत की एकमात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया, यह कोर्ट में साबित हुआ। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए, अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 BMW बरामद हुई है। पर सोचिए कि इनकी फितरत तो कितनी पुरानी है, कांग्रेस साथ गठबंधन, एकमात्र प्रधानमंत्री जो उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत की चौखट पे खड़े हुए हैं। और उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की छत्रछाया में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, तब तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके बगैर चार्जशीट फ्रेम किए हुए लोगों को बरसों बरस जेल में रखा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, महिला कैदियों के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं की गई वो सबको पता है। और इसके उपरांत जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अब अगर इंदिरा जी की बात की जाए, जिस समय लोकतंत्र वास्तविकता में खत्म हुआ था, आज की पीढ़ी जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं उनको भी नहीं मेमोरी है, इसलिए भारत की 3/4 जनसंख्या को नहीं पता है। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, ये 5 साल से बढ़कर 6 साल, यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था, वो कोर्ट नहीं जा सकता था। एक बार जेल में गए तो अंदर, न वकील न अपील न दलील, अंदर। और उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि कांग्रेस को मैं उखाड़ फेंकूंगा, इसलिए अपनी पुत्री का नाम मीसा रख रहा हूं ताकि जब भी पुत्री का नाम पुकारूंगा तो याद आएगा, और आज कहां से कहां पहुंच गए वो सबको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जिस प्रकार की चीजें थी, आज बात करना मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी का सांसद रहने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए? जस्टिस बहरुल इस्लाम, असम हाई कोर्ट के जज, पहले जज रहे, फिर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव, फिर चुनाव नहीं हुआ तो राज्यसभा में आए, फिर राज्यसभा से हटने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, वो तो एक अलग बात है, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में क्या कहा था, ये क्या विचार था, ये केवल 10 सेकेंड की क्लिप अगर आप सुने। Mr. Shah know what is happening in the political world?
What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की. और ये किस विचार से प्रेरित है ये भी मैं बताना चाहता हूं. जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हिटलर एड्रेस्ड रीचस्टैग ऑन 26 अप्रैल 1942 एंड हिटलर सेड, आई एक्सपेक्ट द जर्मन लीगल प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड द नेशन इज नॉट देयर फॉर देम बट दे आर हियर फॉर द नेशन. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई शैल इंटरवीन एंड विल रिमूव फ्रॉम द ऑफिस दोज जजेस हु इविडेंटली डू नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द आवर. और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात. और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा. आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी. आपको पता है नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायंफ ऑफ द विल. 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में. उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रुडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था, 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर. ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया. और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है. इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि किस कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं. मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं. उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्यूटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस. तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं. और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ. पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, अरे क्या क्या सुनेंगे भाई. तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं, उनके हाथ से अब सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है. और यह साफ दिख रहा है, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है, जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है, सत्ता में सबको सम्मान सबको स्थान मिला है. वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया. और एक ही बार नहीं रौंदा गया, दो बार रौंदा गया. 1985 शाबानो केस, कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट. वरना दुनिया में कोई एक सेक्युलर स्टेट का उदाहरण बताएं जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो. इसलिए मैं बताना चाहता हूं, एक और बात बता दूं, इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे राजनारायण जी, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, संसोपा जिसको कहते थे, वही तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, उसके तो खिलाफ खड़े थे. अब आज आप कहते हैं गणना करवाएंगे, जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज आके कहते गणना करवाएंगे. इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है, वो मैं सारे करोड़ों देशवासियों से कहूंगा, इसको गंभीरता सोचिए. उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे, और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे. ये गुलामी की मानसिकता है. आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं, कि जो 1000 साल तक गुलाम रहा, फिर भी जो समाज में विकृतियां आई, समस्याएं आई, उसके उसके उसका कारण शासक वर्ग नहीं था, हम थे. ये कौन सी गुलामी की मानसिकता है भाई. आप खुद सोचिए ना, मतलब हम खुद मुख्तार गुलाम थे, मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे. जो हमें काट रहे थे
जो हजारों की खोपड़ियों का ढेर बना रहे थे, जो बंगाल फेमाइन में हमको मार रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। जो कट रहे थे, मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। 1000 साल में समाज में जो आया, कांग्रेस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब वस्तुस्थिति यह है कि जो हम किसी जमाने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों तक न पहुंचा, मोदी जी के आने के बाद उस करोड़ों घरों तक पहुंचा है। अब कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता के लिए जो अंग्रेजों ने दी थी, वो आज तक उनके दिमाग में है। तो कहना चाहता हूं ना, संयम व्यवस्था ना एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। बहकती मदिर जिंदगी की लयों में अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मतलब अभी भी बहकते कदम है स्वतंत्रता का, मुक्ति का वास्तविक गायन उनके कान में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यह सच है कि गुलामी की मानसिकता से इस देश को मुक्त करने का निर्णय जो देश की जनता ने लिया था, आई एम कोटिंग अगेन, ऑन 18th of May 2014 द संडे गार्डियन ऑफ लंडन, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके अखबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि 16th ऑफ मई 2014 जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली, शुड बी नोन एज अ डे ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंस इन इंडिया, एंड द शीर्षक था इट फॉर सेकेंड ट्रिस्ट विद इंडियाज डेस्टिनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता था। पहली बार एक ऐसे हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है, अटल जी के समय में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी उत्पत्ति और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। इसलिए ये कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन सब के लिए भविष्य निश्चित रूप से निर्णायक अवसान की तरफ बढ़ रहा है, और उसी कारण वो भयाक्रांत होकर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है, मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है, और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे, झारखंड मुक्त मोर्चा, रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है, मगर इस तथाकथित इंडी गठबंधन के हालत देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी बंगाल के दरवाजे पहुंचे तो ममता जी ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, वो बिहार के दरवाजे पहुंचे तो पता चला गठबंधन ही टूट गया और नीतीश जी एनडीए में आ गए। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर वो लोग बहुत सवाल उठाते थे, तो मैं उनसे कहूंगा जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू की थी, जरा किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से इस बात में विचार कर लें, क्योंकि जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार होता चला जा रहा है। तो मैं अंत में इस इंडी गठबंधन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है। तुम चाहे जात बिरादरी की बात कर लो या लोकतंत्र खत्म होने का झूठा प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है। तो ये पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जो इंडी गठबंधन पर लागू होती है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात, मतलब चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर छोड़ो, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे, 350 करोड़ से लेकर 36 लाख तक दिख रहा है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि उस फतवे के संदर्भ में जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं जो अपने को
सेकुलरिज्म का सूरमा और स्वघोषित अलंबरदार कहते हैं, उनसे हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। और खड़गे जी ने जो बात कही तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ है, खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आयु की दृष्टि से अगर राजीव गांधी जी जीवित होते तो उनसे अधिक आयु के हैं, मगर क्या करें, रैली राहुल गांधी के लिए करना पड़ती, जो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है ना महासचिव है ना नेता प्रतिपक्ष है। पिछले के पिछले लोकसभा सत्र में याद करिए, राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी बाईं तरफ खड़े थे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी दाईं तरफ खड़े थे। ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये है लोकतंत्र का असली चेहरा, जो जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक है, वही आज सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब कितने भी मुखौटे लगा लें, इस चेहरे की हकीकत को छुपा नहीं सकते। देखिए, महात्मा गांधी कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो उनको इस देश में वो दर्जा प्राप्त था कि उन्हें राष्ट्रपिता तक की संज्ञा दी गई, तो एक विचार थे, वैचारिक अधिष्ठान थे। अगर देखा जाए तो गांधी की आत्मा क्या थी, उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, राजनैतिक दर्शन था राम राज्य और अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक उनकी समाधि पे लिखा है। और गांधी जी की आत्मा की वास्तविक हत्या उस दिन हुई जिस दिन गांधी नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम काल्पनिक थे, अर्थात महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे हुए राम को यानी गांधी के दर्शन को, भजन को, शब्द को झूठा कह दिया। मुझे लगता है महान व्यक्तित्वों की आत्मा के साथ ऐसा दुर्धर्ष प्रयोग करने वालों को जनता उचित दंड देगी। In this context, it's a very significant thing because you are taking the name of Hemant Soren, Tejaswi Yadav. I quoted that Shibu Soren was Jharkhand Mukti Morcha was proven guilty in 1994. BJP ki to kabhi koi sarkari nahi aayi thi. Modi ji, Amit Shah ji ka to naam bhi nahi suna hoga us zamane mein. And Lalu Prasad Yadav ji went to jail in 1997. बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड नॉट ओनली दिस, एट दैट टाइम हु वाज देयर इन द गवर्नमेंट, जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। सो नाउ दोज हु वर प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन 1994, दोज हु हैव वेंट टू जेल आफ्टर प्रूवन गिल्टी इन 1997, नाउ ट्राइंग टू पुट द ब्लेम पोस्ट 2014। भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात, वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा होंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है।